आदर्श नगर अंतर्गत आदर्श मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से एक परिवार ने अपने 9 वर्ष के बच्चे को खोया। परिवार का आरोप बच्चे का ऑपरेशन बच्चे के परिवार को बिना बताया किया गया। पूरा मामला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के थाना आदर्श नगर इलाके का है, जहां कल शाम को आदर्श नगर स्थित आदर्श मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में जहांगीरपुरी निवासी धीरेंद्र ने अपने 9 वर्ष के बेटे को पैर में दिक्कत के चलते भर्ती करवाया था। जब बच्चे को डॉक्टरों ने चेक किया तो परिजन को बताया कि बच्चे के पैर के टखने में मवाद है, इसका माइनर ऑपरेशन होगा। परिजन ने डॉक्टर्स की राय को मानते हुए बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिसके बाद से बच्चे को एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया। आज सुबह बच्चे को जब ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, तब तक डॉक्टर अस्पताल में नहीं पहुंचे थे। जब परिवार ने डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता को परिजन ने फोन लगाया, तब डॉक्टर ट्रैफिक में थे। परिजन ने आरोप लगाते हुए बताया कि बच्चे का ऑपरेशन करने से पहले ना हमें कुछ बताया गया, ना ही ऑपरेशन से पहले हमसे कोई भी साइन करवाया गया, और डॉक्टरों ने लगभग हमें बताया कि हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा। इस बात का विरोध करते हुए परिजन ने 100 नंबर कॉल पर पुलिस को इत्तला किया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्यवाही में जुट गई। बाइट, अब परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, साथ ही साथ परिजन अस्पताल प्रशासन से भी यह पूछ रहा है कि अगर पैर में कोई इन्फेक्शन था तो बच्चे का पैर भी काटा जा सकता था। माइनर से ऑपरेशन में बच्चे की जान चली गई, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टरों की लापरवाही के चलते हुआ है। परिजन ने यह भी बताया कि हमें पता चला कि यह इस अस्पताल में पहला वाक्य नहीं है, यहाँ पहले भी ऐसी लापरवाही के चलते और भी घरों ने अपने घरों के चिराग को खोया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और परिवार ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक परिवार को इंसाफ मिले। मेरा दीपक प्रजापति नाम है। दीपक जी, हमने अपने बेटे को आदर्श हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जिसके पास छोटी सी माइनर सर्जरी के लिए रुकने में उसकी, और उसका जो वहाँ के एमडी भी हैं शायद सिद्धार्थ गुप्ता उनके एमडी जी, उन्होंने जिनसे बात करी और वही हड्डी के डॉक्टर हैं वहाँ पे स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने कहा कि आप इसको जल्द से जल्द करा लीजिए, नहीं तो पैर में दिक्कत हो सकती है और इन्फेक्शन बढ़ सकता है, काटने की नौबत आ सकती है, जो भी है। तो हमने कहा ठीक है सर, हम रात को 9 बजे हमने एडमिट करा दिया। सुबेरे उन्होंने कहा था कि हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और सुबेरे आगे हम ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा ठीक है सर। रात भर उन्होंने एंटीबायोटिक चलाई, एंटीबायोटिक चलाने के बाद में 9:30 बजे के आसपास उनका स्टाफ आया और बच्चे को कपड़े अपने चेंज करा करके ऑपरेशन थिएटर में ले गया। मैंने पूछा सर डॉक्टर कहाँ है, क्या डॉक्टर तो आया नहीं है। मैंने फिर कॉल करवाई भाई से, मैंने कहा भाई आप फ़ोन करो, तो हमने पूछा डॉक्टर साहब ट्रैफिक में फंसे होते, कह रहे मैं ड्राइव कर रहा हूँ अभी ट्रैफिक में हूँ। मैंने सर बच्चे को तो ले गए, कह रहे कोई बात नहीं मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद में डॉक्टर जैसे आए हैं तो हमसे नहीं मिले हैं, वो सीधा सीधा नीचे बेसमेंट से जाके लिफ्ट के जरिए अपना ऑपरेशन थिएटर में पहुँच गए हैं और उन्होंने ऑपरेशन वहाँ पे चालू कर दिया। ना हमारे से कोई पूछा गया कि हाँ जी जो फॉर्मेलिटी ऑपरेशन कराने की होती है वो बिल्कुल नहीं कराई गई हमसे, ना साइन कराया गया हमसे, ना हमें बताया गया कि भाई ऐसा रिस्क भी हो सकता है, ठीक है। और यही हमारे से आश्वासन दिया गया था कि भाई आपको बस जो सर्जरी जो करनी है माइनर सी पस निकालने का, तो आपका बच्चा बिल्कुल ओके हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुलिस कॉल कर, पुलिस ने अभी हमारे को थाने बुलाया है, अभी हम यहाँ बाबू जजीराम हॉस्पिटल में आए हुए हैं, अब उन्होंने तो बॉडी फ्रीजर में लगवा दी है, जमा करवा दी है यहाँ पे। अब हम यहाँ से जाएंगे थाने और पुलिस जो है SHO साहब हैं उन्होंने कहा है, रखते हैं आप पुलिस। हम तो कहते हैं सर ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, यहाँ पे 1-2 केस पहले भी ऐसे हो चुके हैं बेचारे, किसी न किसी कारण बस आज ही हमें ये बात पता लग गई है। जिन हमारा बच्चा ख़त्म हुआ तो वहाँ के लोग, जिनके बच्चे ख़त्म होते वो आए हैं वहाँ पे, उन्होंने बताया हमारे से ये बातें कि भाई हमारे साथ भी इन्होंने ऐसा किया, लेकिन बेचारे किसी कारण से वो कार्रवाई नहीं कर सके हो। लेकिन मैं मीडिया के जरिए और भी जो ऐसे बेचारे गरीब हैं जिनके बच्चे इस तरह के हॉस्पिटल में खा जाते हैं, कितनी मुश्किल से हमने पाला था, 9 साल का बेटा हमारा मार दिया उन्होंने। अजय जी, क्या पूरा मामला हुआ ये आपके क्षेत्र अस्पताल में 9 बच्चे की जो है हत्या का मामला जो बताया जा रहा है? देखिए 9 साल का ये बच्चा था, खेलते खेलते इसके पैर में चोट लग गई थी,
अब चोट लग गई, हॉस्पिटल लेके गया तो उन्होंने प्लास्टर कर दिया था, उसमें फिर मवाद पड़ गया। जब मवाद पड़ी तो उसे हॉस्पिटल लेके गया, आदर्श हॉस्पिटल वालों ने ये कहा कि इससे कुछ नहीं, हल्का सा माइनर सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसकी मवाद निकालनी पड़ेगी। उन्होंने ये आश्वासन दिया जल्दी ठीक कर देगी बच्चे। अब पता लगता है कि उसका ऑपरेशन के बाद थोड़ी देर पर रिपोर्ट मिलती है कि बच्चा वो ख़त्म हो गया। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, अगर वो मामूली सा ऑपरेशन आप लोगों ने करना था तो उसके अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ था, तो ये डॉक्टरों की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। मेरी SHO साहब से बात हुई है, हमने डिमांड करी कि पैनल के अंदर इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। अगर वो कह रहे इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन जरा से पैर में पड़ना चाहिए था, पैर काट देते, पैर ना काटने के कारण आपने इतना बड़ा आज बच्चे जरा से बच्चे की मासूम। दिल्ली सरकार और निगम की तरफ से MCD में भी इसमें मुद्दा उठाऊंगा, बात करूंगा, और दिल्ली सरकार भी अधिकारियों को कंप्लेंट देगी, और जो भी हो सकता है हम तो यही कहेंगे कि भाई जरा सी लापरवाही के चक्कर में एक बच्चे की जान गई है, ऐसा दुर्घटना या ऐसा हादसा और लोगों के साथ ना हो। बताया जा रहा है मेरे पास वो लेटर भी आया, मुझे इन्होंने लेटर भी दिया है कि परिवार के किसी के भी साइन नहीं करें, कभी भी किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं चाहे किसी भी छोटे से डिस्पेंसरी में भी जाते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन का काम होता है तो उससे पहले पेपर वर्क करा लिया जाता, साइन करा लिया जाते हैं, पर इनके किसी परिवार के को साइन तक नहीं है। ये डॉक्टर की और हॉस्पिटल की लापरवाही है। हम यही कर रहे हैं कि जो हादसा आज हुआ है वो ऐसे किसी और बच्चे के साथ ना हो। आज एक 9 साल का बच्चा, मासूम बच्चे की जान गई है, तो मैं हॉस्पिटल की लापरवाही है इसके अंदर, और पूरी की पूरी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन भी पूरी कार्रवाई करे और दिल्ली सरकार भी पूरी कार्रवाई करे, और MCD से भी जो बनता है MCD को वही काम करना चाहिए।